हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आपका प्लेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज में बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन। इसका मतलब है कि किन किन तरीकों से आप अपने कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे नोटिफाइड। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन। तो मैंने जैसे आपको अपने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कीबोर्ड ऑपरेशन के किस तरीके से हम अपने कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। कीबोर्ड कैन बी ऑपरेटेड बाय लुकिंग एंड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेसिकली हम कीबोर्ड को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो देखकर, मतलब देखने से मेरा यहाँ पर मतलब है कि आपको अपनी जो है फिंगर जो है दो फिंगर का यूज़ करना है अपनी टाइपिंग के वक्त, और विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड। विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड का मतलब है कि बिना कीबोर्ड में देखे हुए आपको अपना मैटर टाइप करना है। द मैथड ऑफ ऑपरेटिंग द कीबोर्ड विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड इज कॉल्ड द टच सिस्टम ऑफ टाइपिंग या द मैथड ऑफ टाइपिंग वाइल लुकिंग एट द कीबोर्ड इज कॉल्ड द साइट मैथड ऑफ टाइपिंग। ठीक है, द मैथड ऑफ ऑपरेटिंग द कीबोर्ड, जिस मैथड से हम अपने कीबोर्ड को ऑपरेट करते हैं बिना कीबोर्ड में देखे हुए, मतलब बिना कीबोर्ड में देखे टाइप करना, बस सिर्फ अपने एक मैटर मैनेजर रखना एज वेल एज द स्क्रीन, उसे हम टच सिस्टम ऑफ टाइपिंग बोलते हैं। टच सिस्टम का मतलब है जिसमें हम अपने टच से सेंसर लोकेट करते हैं उस कीवर्ड को। एंड दूसरा मैथड है मैथड ऑफ टाइपिंग वाइल लुकिंग एट द कीबोर्ड, इसको कॉल्ड द साइट मैथड ऑफ टाइपिंग। ठीक है, और दूसरा मैथड है जिस तरीके से हम अपने देख के कीबोर्ड को ऑपरेट करते हैं बाय यूजिंग टू फिंगर ऑफ द बोथ हैंड, उसे हम साइट मैथड बोलते हैं। अगर आप इनके नाम से ही जाने ना, आपको इजीली पता लग जाएगा। टच माने जिसको आप टच करते हो विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, साइट मैथड जिसको आप देख के करते हो विद लुकिंग एट द कीबोर्ड, वाई लुकिंग एट द कीबोर्ड। ठीक है, तो अब है इसकी भी नेक्स्ट हेडिंग है, यूजली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल वो यूज़ द कीबोर्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये तीन तरीके के लोग हो सकते हैं जो कीबोर्ड को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उन पे बेस्ड है। फर्स्ट, थोज विदाउट नॉलेज ऑफ टाइपिंग। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड को यूज़ करते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ टाइपिंग, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती टाइपिंग में किस तरीके से टाइप करते हैं, वो लोग कौन सा मैथड यूज़ करेंगे, साइट मैथड। थोज विद अ लिटल नॉलेज ऑफ टाइपिंग, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है टाइपिंग की, तो वो इस तरीके के मैथड को यूज़ कर सकते हैं। थोज वो नो टच टाइपिंग। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टच टाइपिंग पता हो, जो लुकिंग एट द कीबोर्ड अपने टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड में। इन अर्ली डेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ द टाइपरेटर ओनली वन मैथड ऑफ टाइपरेटिंग वॉज यूज, साइट मैथड, एंड द टाइपिंग यूज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ वन और टू फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स बाई लुकिंग एट द कीबोर्ड। ठीक है, पहले के दिनों में जब हमारा टाइपरेटर का इन्वेंशन हुआ था, सिर्फ एक ही मैथड आपको यूज़ होता था टाइपरेटिंग का, टाइपिंग करने का कीबोर्ड में कंप्यूटर में, सिर्फ साइट मैथड। साइट मैथड के बारे में आपको बता चुकी हूँ, साइट मैथड क्या होता है, विद लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो इसमें हम टाइपिंग कैसे करते थे उस वक्त जब हमारे टाइपरेटर का इन्वेंशन हुआ था, टाइपरेटिंग यूज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ वन और टू फिंगर ऑफ द बोथ हैंड्स बाय लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो उस वक्त टाइपिंग कैसे होती थी, लोग क्या करते थे, दोनों हाथ की सिर्फ दो उंगलियाँ यूज़ करते थे अपने मैटर को टाइप करने के लिए। फिर उसके बाद दिस मैथड वॉज लेटर ऑन सब्सटीट्यूटेड विद अनदर मैथड टच मैथड। फिर ये बाद में क्या हुआ, एज वेल एज जैसे इन्वेंशन होती गई नई नई चीज़ों की, इसी के साथ क्या हुआ, टच मैथड का भी इन्वेंशन हुआ, और टच मैथड ने लार्जली साइट मैथड को रिप्लेस कर दिया, उसके जगह ज़्यादातर अब टच मैथड यूज़ हो रहा है। तो टच मैथड एक ऐसे स्किल है ना जो हर कोई सीख लेता है घर में बैठे बैठे, और ये काफ़ी अच्छा मैथड है टाइपिंग का। एट प्रेजेंट फॉलोइंग टू मैथड ऑफ मैनिपुलेशन द कीबोर्ड। ठीक है, तो आज के टाइम पे दो टाइप के हमारे मैथड हो सकते हैं कीबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट, साइट मैथड और हंट एंड पैक, सर्च एंड पैक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो मैथड होते हैं, एक तो होता है साइट मैथड, एक होता है टच मैथड। साइट मैथड में क्या करते हैं, हम हंट और पैक भी बोलते हैं उसको। हंट और पैक इसीलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को ना देख देख के सर्च मार के उसको टाइप करते हैं, उसको सर्च एंड पैक भी बोल सकते हैं। और टच मैथड और ब्लाइंड मैथड, दूसरा है टच मैथड और ब्लाइंड मैथड। टच मैथड में हम क्या करते हैं, विदाउट लुकिंग ऑन द कीबोर्ड
हम ब्लाइंडली टाइप करते हैं। ब्लाइंडली से यहाँ मतलब है कि सिर्फ आपको अपने मैटर में देखना है एज वेल एज ऑन द स्क्रीन विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। मेंटली आपको उसकी सेंस करनी है लोकेशन ऑफ द की बाय टच करके उसको। तो अभी तक सिर्फ यहीं तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी। Thank you for watching this video.